अगर एक्चुअल में अंदर तक आपको समझ आ गया कि दुख की जड़ क्या है और उसको आप सॉल्व कर लेते हो, उस प्रॉब्लम को जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम को छोटा मत समझ लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है, ये थॉट की प्रॉब्लम है। मतलब कि हम 24 घंटे अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं। एक मिनट में लगता है मेरे को सब कुछ समझ आ गया, अगले मिनट में सब कचरा हो जाता है। एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया है, बहुत पीसफुल है, बहुत ब्लिसफुल है, अगले दिन देखते हो अरे ये क्या हो रहा है। तो सर आप जो ईज की बात करते हो, जो आपने एक बार डिजीज के बारे में बात करी, तो ईज के बारे में, तो व्हेन द बॉडी इज एट ईज, तो हम क्या उसे हैप्पीनेस बोल सकते हैं? मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सपोज करो आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड मेरी हेल्थ सही है और सारे एस्पेक्ट सही हैं, रिलेशनशिप वगैरह सारे एस्पेक्ट सही हैं और मेरी बॉडी भी ईज में है, देन आई एम हैप्पी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दुख तो वहीं का वहीं है। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये फैक्टर्स हैं जो ठीक होने जरूरी है, यानी हेल्थ वाइज अगर आप ठीक नहीं हो तो आप दुखी हो। तो हमें एक्चुअल में हैप्पीनेस की बात नहीं करनी है, क्योंकि हैप्पीनेस की बात करने की जरूरत ही नहीं है। किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे जाकर के ये थोड़ी पूछते हो कि हेल्दी कैसे हो, आप सीधे सीधे बीमारी की बात करते हो ना। यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ को अगर आप देख लेते हो और जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दुख आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। खुशी आएगी नहीं आएगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।